हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, या ये कहें कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 19, 1985 एज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम इन 1992 एंड इज करंटली वन ऑफ द की एरियाज अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM सिंस 2005। ठीक है, ये जो वैक्सीन प्रोग्राम है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में नवंबर के 19th डेट में लॉन्च किया था, और उसका एक पार्ट था कि हमको किस तरीके से चाइल्ड जो सरवाइव करते हैं उनको वैक्सीन नहीं लग पाता, या जो सेफ मदरहुड होता है उसके प्रोग्राम को उन्होंने 1992 में लॉन्च किया था। ठीक है, ये इसलिए लॉन्च किया ताकि जो भी डिसीज़ है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है या वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, उसके वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे बच्चों को होते रहते। फॉर एग्जांपल हम पोलियो की बात करें, टीबी की बात करें, डिप्थेरिया की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, तो ये सारे वैक्सीनेशन बच्चों को उनके जन्म के पहले या जन्म के बाद में इनको प्रॉपर टाइम पर लग जाए, जिससे प्रॉपरली सेफ मदरहुड भी हो सके। करंटली जो ये प्रोग्राम है इसको NRHM देख रही है 2005 से। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर 7 डिसीजेस विच इंक्लूड्स, ये जो प्रोग्राम है मोस्टली 7 डिसीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। पहला है TB, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसेसिस जिसको हम कहते हैं वूपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, माइलिटिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये 7 डिसीज है जिसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ऑन 2014 इट वाज अनाउंस दैट 4 वैक्सीन्स विल बी एडेड टू द प्रोग्राम, नेमली रोटा वायरस, रूबेला एंड जैपनीज इनसेफेलाइटिस एज वेल एज द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, पहले तो 2013 तक ये 7 ही डिसीज़ के वैक्सीनेशन होते थे, बट 2014 के बाद अनाउंस किया गया कि कुछ डिसीज़ और इसमें ऐड की जाएगी जिसका वैक्सीनेशन होगा, जैसे रोटा वायरस, रूबेला, जापानीज एनकेफेलाइटिस जो होता है पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1978 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मॉर्टलिटी एंड मॉर्बिडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, वैक्सीन की वजह से यदि कोई डिसीज़ हम प्रिवेंट कर ले हमारे चाइल्डहुड में ही, उसकी वजह से मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मॉर्टलिटी कम होने की वजह से जो प्रिवेंटेबल डिसीज, मतलब जो डिसीज़ है वो प्रिवेंट हो जाती है। दिस प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट लॉन्च्ड बाय WHO इन 1974। एम्स, टू अचीव 100% कवरेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद द 2 डोज ऑफ टिटनस टॉक्साइड एंड एटलीस्ट 85% कवरेज ऑफ इन्फेंट्स विद टी डोज ऑफ DPT मतलब डिप्थेरिया, OPV 1 डोज ऑफ BCG एंड मिजल्स वैक्सीन। ऑब्जेक्टिव, रैपिडली इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, establish a reliable cold chain system to the health facility level, introduce a district-wide system for monitoring of performance, achieve self-sufficiency in vaccine production। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, या बात करें वैक्सीनेशन शेड्यूल की अकॉर्डिंग टू IAP 2015। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिसीज अंडर UIP। UIP के अंदर कौन कौन से डिसीजेस आती है, ठीक है, उसका पॉजिटिव एजेंट्स क्या है,
कौन सा वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ डोज उसके कितने होते हैं, टाइम ऑफ वैक्सीनेशन वीक में, मंथ में, ईयर में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलियो डिसीज़ की, जिसका कॉजिटिव एजेंट से पोलियो माइलिटिस, जिसका वैक्सीनेशन होता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसके नंबर ऑफ डोज हैं 5 और टाइम ऑफ वैक्सीनेशन है बर्थ डोज फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्राइमरी 3 डोज एटलीस्ट 6, 10 and 12 वीक्स एंड 1 बूस्टर डोजेस एट 16 to 24 मंथ ऑफ एज। सेकेंड है ट्यूबरक्लोसिस TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉजिटिव एजेंट्स है, इसमें BCG वैक्सीन लगता है, इसका नंबर ऑफ डोज होता है 1 एट बर्थ अप टू 1 ईयर इफ नॉट गिवन अर्ली है, यदि हम बर्थ के टाइम पे ये वैक्सीन दे दिया जाता है, बट यदि नहीं देते दे पाते हैं किसी कंडीशन में तो अप टू 1 ईयर के अंदर अंदर ये दिया जा सकता है। अब बात करते हैं थर्ड मीजल्स की, मीजल्स वायरस जिसका डोज वैक्सीन है MMR, मीजल्स मम्स रूबेला 2 डोज दिए जाते हैं और 9 से 12 महीने की एज में बच्चे को दिया जाता है, सेकेंड डोज दिया जाता है 16 से 24 मंथ की एज में। फोर्थ है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस, का कॉजिटिव एजेंट्स हैं और जो इसका वैक्सीन है वो है हैप बी वैक्सीन, 4 डोज होते हैं बर्थ डोज विद इन 24 आवर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्राइमरी 3 डोजेस एट 6, 10 and 14 वीक्स। फिफ्थ है टिटनस, जिसका पॉजिटिव एजेंट से क्लोस्ट्रीडियम टेटनी टिटनस टॉक्सॉइड्स हैं और इसका जो नंबर ऑफ डोज है वो 2 है, इसका जो टाइम ऑफ वैक्सीनेशन है वो है 2 डोजेस आर गिवन एट 6, 10 and 16 ईयर ऑफ एज। सिक्स नंबर का है डिप्थेरिया, जिसका पॉजिटिव एजेंट्स है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, DPT लगता है डिप्थेरिया परस्टुलेसिस टिटनस टॉक्सॉइड, 5 इंजेक्शन लगते हैं, 5 डोज होते हैं 3 डोज एट 6, 10 and 14 वीक्स एंड 2 बूस्टर डोज एट 16 to 24 मंथ एंड 5 to 6 ईयर ऑफ एज। सेवन है परस्टुलेसिस, जिसका जो पॉजिटिव एजेंट से है वो है बॉर्डेटेला परस्टुलेसिस, जिसमें सेम DPT लगता है, 5 डोज लगते हैं और इसी एज में लगते हैं। अब एट्थ की हम बात कर लेते हैं जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जिसका वायरस है जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस, JE वैक्सीनेशन लगता है, 2 डोज लगते हैं 9 से 12 मंथ ऑफ एज में लगता है एंड सेकेंड डोज लगता है 16 to 24 मंथ के अंदर। अब हम बात करते हैं UIP शेड्यूल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, अभी तक हमने बात करी जो इन्फेंट थे, चिल्ड्रन थे उनकी, अब प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन से टीके लगते हैं या वैक्सीनेशन लगते हैं, तो वैक्सीनेशन है पहला TT1, ठीक है, जो टाइम ऑफ वैक्सीनेशन है अर्ली इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये लग जाता है। TT2 लगता है 4 वीक्स आफ्टर TT1, TT1 लगने के 4 वीक के बाद लगता है TT2, देन थर्ड लगता है TT बूस्टर, इफ रिसीव 2 TT डोजेस इन प्रेगनेंसी विथ इन द लास्ट ईयर्स। ओके, अब बात करते हैं हम पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, के पल्स पोलियो अभियान क्या था इसके हम बात करेंगे। इट इज़ एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन लॉन्च्ड इन द ईयर 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट पोलियो माइलिटिस, द प्रोजेक्ट फाइट्स अगेंस्ट पोलियो माइलिटिस थ्रू अ लार्ज स्केल पल्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड ऑल्सो बाय मॉनिटरिंग फॉर पोलियो केसेस। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कैंपेन जो था उन्होंने 1995 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, जिससे ये प्रोजेक्ट फाइट करता था हमारे पोलियो के वायरस से। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज आर गिवन एडिशनल ओरल पोलियो ड्रॉप्स इन दिसंबर एंड जनवरी एवरी ईयर फॉर 5 डेज। इस प्रोग्राम के अंदर ये प्लानिंग की गई थी कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको एडिशनली ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी दिसंबर में और जनवरी में, हर 5 साल में।
In each nationwide program, about 2.3 million vaccinators immunize 172 million children. The program continues to focus and reach out to the most vulnerable population, includes migrants, underserved and marginalized communities and children in 40 lakh high risk area HRAS. Key objectives of Pulse Polio program. The Pulse Polio initiative was started with an objective of achieving 100% coverage under oral polio vaccine. It aimed to immunize children through improved social mobilization, plan mop-up operations in areas where polio virus has almost disappeared, and maintained high level of morale among the public. Steps undertaken. Setting up of booths in all parts of the country. Initializing walk-in cold rooms, freezers, rooms, deep freezers, ice-lined refrigerator and cold boxes for ensuring steady supply of vaccines to booths. Arranging employees, volunteers and vaccines, ensuring vaccine vial monitor on each vaccine vial. Immunizing children with OPV oral polio vaccine on national immunization days. Identifying missing children from immunization process, surveillance of efficacy. Publicity is usually extensive and it includes replacing the National Telecoms Authority ringtone with a vaccination day awareness message, posters, TV and cinema spots, parades, rallies and one-to-one communication from volunteers. Vaccination booths were set up with a hours-to-hours campaign for remote communities. To mitigate the risk of polio virus importation through travelers, continuous polio immunization posts have been set up along the international borders with Pakistan, Nepal, Bangladesh, Myanmar and Bhutan in order to vaccinate all children up to age of 5 years crossing the border into India. All travelers traveling through areas route to 7 countries with Afghanistan, Pakistan, Niagara, Somalia, Kenya, Syria, Ethiopia and vice versa are required to be vaccinated with oral polio vaccine at designated vaccination center at international airports 4 weeks prior to capture. Achievements. India was declared as a polio-free nation by WHO on 27th March 2014. Urban measles campaigns. अब हम यहाँ बात करेंगे measles के बारे में. हमने अभी तक बात की थी polio के बारे में. It is a special campaign done with the assistance of UNICEF for covering slum localities in urban areas during 1998. In 1998 to 1913, cities were targeted, while 1999 to 2000, 50 more cities were covered. The objective of the programs was to cover all unprotected children up to the age of 3 years with a single dose of measles vaccine. Neonatal tetanus elimination. In order to achieve early elimination of neonatal tetanus, efforts are made to cover all women in reproductive age group with 3 doses of tetanus toxoid vaccine. These were implemented in Rajasthan and Madhya Pradesh during 1998 to 1999 and 1999 to 2000 in Rajasthan. Only married women up to 30 years were targeted. Achievements. On 15 May 2015, the World Health Organization WHO declared India free from maternal and neonatal tetanus. Achievements of the Universal Immunization Program.
There has been a steady reduction in a total number of cases reported in the disease included in this program. The major achievement of this program in the total elimination of poliomyelitis and neonatal tetanus from the country. Thank you.